कि आप आज के भी ज़माने में आप माउस यूज करते हैं तो आप बहुत ही पीछे हैं सिस्टम यूज करने में। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कुछ शॉर्टकट की जिसके माध्यम से आप बहुत ही फास्ट कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है कीबोर्ड का शॉर्टकट की। तो आपका पहला की है बैक स्पेस एंड डिलीट। बैक स्पेस एंड डिलीट बटन में क्या फ़र्क है? तो बैक स्पेस जो होता है वो लेटर को पीछे से डिलीट करता है, राइट से डिलीट करता है, और डिलीट जो होता है वो आपको लेफ्ट से डिलीट करता है। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगला शॉर्टकट की है आपको अपने सिस्टम को ऑफ कैसे करें। तो आप सिस्टम को ऑफ करने के लिए अल्ट और F4 के माध्यम से डायरेक्ट सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। तो कई लोग अपने माउस से जाकर ऑफ करते हैं सिस्टम को, तो आप से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आपका अगला शॉर्टकट की है Ctrl+Z और Ctrl+Y। Ctrl+Z को इंडो और Ctrl+Y को अंडो कहा जाता है, आप लोग को पता होगा ये बेसिक है। तो जैसे मतलब कोई वर्क कर रहे हैं सिस्टम में या कोई मतलब कोई कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया या फोटोशॉप में कोई यूज कर रहे हैं, तो मतलब गलत कुछ हो गया, तो उसको अंडो करने के लिए Ctrl+Z और आगे इंडो करने के लिए Ctrl+Y शॉर्टकट। आपका अगला शॉर्टकट की है आप क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं तो आपको हिस्ट्री देखने के लिए आपको माउस से स्क्रॉल कर आपको ट्रिपल डॉट पे जाना पड़ता होगा और हिस्ट्री में जाना पड़ता होगा। यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से डायरेक्ट हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+H दबाकर हिस्ट्री में जा सकते हैं। और उसी में आपको अगर जो डाउनलोडिंग में जाना हो तो उसके लिए आप Ctrl+J यूज करके डाउनलोड का मतलब जितना प्रोफाइल है आप उसको चेक कर सकते हैं।